दोस्तों स्वागत है मौसम समाचार में। तो चलिए जान लेते हैं कैसा रहेगा आज देश भर के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू किया जाए इससे पहले कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि कभी धूप तो कभी बारिश, दिल्ली NCR समेत उत्तर प्रदेश में आज बरसेंगे बादल, IMD का अलर्ट। दोस्तों दिल्ली NCR समेत उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान बताया। दोस्तों थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के कासगंज, एटा और मैनपुरी इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी होगी। मानसून 25 जून तक पहुंचने की संभावना है। आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका है, ऐसी गर्मी में मौसम की आंख मिचौली जारी है। गर्मी, धूप और बारिश की वजह से मौसम लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश को लेकर मौसम की जानकारी दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश के कासगंज, एटा और मैनपुरी के इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की गई है। दिल्ली NCR का मौसम, यानी दिल्ली NCR में बीती रात बारिश हुई। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि अगले 5 दिनों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 9 से 11 जून तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। दिल्ली NCR के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस 37.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली के पीतमपुरा और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में तापमान 40 डिग्री तक रहा है। उत्तर प्रदेश का मौसम, आज सुबह से दोपहर तक तीखी धूप से परेशान राजधानी के लोगों को शाम को चली तेज झोंकेदार हवा से गर्मी से राहत मिली है। हालांकि हवा के बाद चली आंधी शहर में कई नुकसान कर गई है। मौसम विभाग ने आज बूंदाबांदी के बावजूद तापमान बढ़ने के आसार जताए हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक उत्तरी पाकिस्तान में पश्चिमी पोच की संकृतियां और उत्तर पूर्व राजस्थान आसपास के चक्रवर्ती परिसरण के कारण मौसम में बदलाव हुआ। इस दौरान दिन का तापमान 1.3 डिग्री की कमी आई है, जो पारा 38.37 डिग्री और रात का पारा 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। हरियाणा का मौसम, हरियाणा में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी की संभावना है। तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। अगले 2 दिनों तक बूंदाबांदी की संभावना। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्र मोहन ने जानकारी देते हुए सक्रिय पश्चिम विपोष से आगे निकलने के साथ ही फिर से हवाओं की दिशा बदल जाने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। और दोस्तों कब पहुंचेगा उत्तर भारत में मानसून? IMD के अनुसार आज मानसून केरल तक पहुंच जाएगा। यह 2 से 4 दिन मानसून को पहुंचने में लगेंगे। दोस्तों आज जानकारी देते हुए कहा है कि अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो उत्तर दिशा में बढ़ रहा है। इसका गंभीर असर मानसून के लेकर तटीय ओर बढ़ने की संभावना है। और दोस्तों इसके बाद 10 जून को महाराष्ट्र तक पहुंचेगा। गुजरात में 20 जून और अन्य इलाकों में 25 जून तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में 25 जून तक पहुंचेगा मानसून। तो दोस्तों ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना मौसम के ताजा अपडेट जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।